हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और आज आपको मेरे चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ़ोनपे के ऐप में अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि अपने आरबीआई ने अपना एक नया पॉलिसी लगा दिया है जिसमें कि हर ऑनलाइन वॉलेट्स में उनको हम लोग को आधार कार्ड ना लिंक करना होगा। मतलब आधार कार्ड तो अब हर जगह लिंक करना जरूरी हो गया है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी आप फ़ोनपे या फ्रीचार्ज कोई भी ऐसा ऐप हो तो उसमें अपने वॉलेट के पैसे को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आप उसमें अपना केवाईसी अपडेट ना किए हों। दोस्तों, जैसे कि फ़ोनपे का ऐप है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। मैं इसमें दोस्तों आपको 10 रुपये अपने वॉलेट में ऐड कर दिखा देता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, इसमें ऐड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कंप्लीट योर केवाईसी टू टॉप अप योर वॉलेट। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 24.25 पैसा है लेकिन मैं इस पैसे को भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों, मैं इसमें अगर 10 रुपये आपको ऐड कर दिखा भी दूँ तो ये 10 रुपये जो ऐड नहीं होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है नीचे टॉप अप वॉलेट, ये ऐड नहीं होगा, ये बस ऐसे दिखाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मंथली लिमिट से लिखा हुआ है मगर ऐसा कुछ है नहीं। ये जो है केवाईसी अपडेट करना हो तो ही होगा। दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि क्या है कि आप इसमें पहले माई अकाउंट पर जाइए और फिर यहाँ पे जो आपका अकाउंट है उसको खोल दिए। अब दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि रिट्राई कर दीजिए एक बार, वो ऊपर हम लोग का जो फ़ोनपे का जो बार कोड है वो आएगा, मतलब वही QR कोड। जैसे कि अब तो एक नया फ़ोनपे निकाल दिया अपना कि आप अपना डायरेक्ट बैंक टू बैंक लिंक करके आराम से पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि जब यहाँ पे अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा KYC अपडेट करने या आधार कार्ड लिंक करने कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे कि यहाँ एडिट लिखा हुआ है, फिर ये ईमेल वेरीफाई, चेंज पासवर्ड ऐड ऐसे, लेकिन यहाँ पे कोई भी KYC का ऑप्शन नहीं लिखा है। दोस्तों, क्या है कि ये जो फ़ोनपे का ऐप है ये ओल्डर ऐप है और जो उसमें KYC अपडेट करने वाला आया है वो अपडेटेड ऐप है। तो दोस्तों, इसको पहले आपको अपना फ़ोनपे ऐप को अपडेट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको अपडेट कर दिखा देता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास ऐप है लेकिन आप अपडेट मांग रहे हैं, इसे अपडेट आप कर दीजिए। थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों ये अपडेट होने में। वैसे दोस्तों, ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी से आपका जो फ़ोन पे का ऐप रहेगा, वॉलेट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अब दोस्तों, क्या है कि मेरा भी इसमें बहुत सारा वॉलेट का पैसा फंसा हुआ है और 75% जो कैशबैक मिलता है वो भी अभी तक नहीं आया। तो उसमें वो लिखा था कि अपना वॉलेट को अपडेट करिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इसी बहाने मैं अपना एक नया वीडियो बना लेता हूँ। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस दोस्तों, ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। दोस्तों, बाकी जो भी परमिशन मांग रहा है अब इसे परमिशन का अलाउ कर दीजिए। अब जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये एक थोड़ा अपडेटेड वर्ज़न है और कुछ का प्रोडक्ट्स इसमें नए आ गए हैं। जैसे कि रेड बस वाला नया आ गया इसमें, बाकी वो पहले वाले में नहीं था। अब दोस्तों, क्या है कि अपने माई अकाउंट सेक्शन में आप जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है UPI ID और ये पहले वाले ऐप में नहीं था, और यहाँ लिखा है मैनेज ऑटो पे, ये भी नहीं था। मतलब ये अपडेटेड वर्जन है। दोस्तों, अपने अकाउंट को आप ओपन कर लीजिए एक बार। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा पहले था उसी तरह एड्रेस तक ही लिखा था पहले भी, लेकिन यहाँ पे एक नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा KYC अपडेट करने वाला। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये हम लोग का QR कोड जैसे कि पहले की तरह था। दोबारा ओपन कर लेते हैं KYC कोड, जैसे पहले पिछली बार भी हुआ था, 3 बार इसको करना पड़ा था। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे 75% कैशबैक मिलने वाला था और दोस्तों वो नहीं मिला। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अब इसको जब दोबारा ओपन करेंगे यहाँ ऊपर टॉप में लिखा हुआ है क्लेम 75 कंप्लीट KYC टू रिसीव पेंडिंग कैशबैक। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर दीजिए कंप्लीट KYC। जैसे ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ सारे दिए हुए हैं जो कि इसमें नए अभी आए हुए हैं, बाकी पहले में से नहीं थे। अब यहाँ पे आप लिखा हुआ अगर आपको इसी नंबर से करना था ठीक, तो कर दिया वेरीफाई योर आधार। अब दोस्तों, क्या है कि अपने आधार कार्ड को यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, मैं आपको अपना करके दिखा देता हूँ। दोस्त, हम जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिए रखे हुए हैं, बाकी है तो आप बाकी सबको एग्री कर दीजिए और
यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर है उसको एंटर कर दीजिए। दोस्तों हो गया, आप इसे अपना सबमिट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका ये आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और आप फिर अपने वॉलेट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों पूरा करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना पड़ेगा ताकि जो आपका ओटीपी रहे वो आपके मैसेज पे मतलब तो आपके नंबर पे आ जाए मैसेज, ताकि आप इसे कन्फर्म कर सकें। दोस्तों इस पर ओटीपी आएगा, मैं आपको दिखा दूँगा। एक मिनट का टाइम दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अपना बैंक अकाउंट और केवाईसी अपना कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट और कंप्लीट केवाईसी, दोनों पे टिक है। और दोस्तों यहां देख सकते हैं मुझे 75 रुपये कैशबैक मिला है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल